हेलो एवरीवन हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सो गाइस आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं रिगार्डिंग फुल मून जो फुल मून है वो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है कुछ लोग इसे फुल मून बोल रहे हैं कुछ लोग इसे सुपर फुल मून बोल रहे हैं बिकॉज दिस फुल मून इज़ रियली स्पेशल एंड अगस्त में इस बार दो फुल मून है सो डेफिनेटली अगस्त इज़ रियली स्पेशल सो गाइज़ ये रीडिंग जनरल रीडिंग होगी ये रीडिंग बेकार रीडिंग नहीं होगी सो so, ये रीडिंग आप सबके लिए जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कनेक्ट हो रहे हैं जिनकी एनर्जीज भी कनेक्ट हो रही है मेरे साथ इस चैनल के साथ इस रीडिंग के साथ ये रीडिंग आप सबके लिए है सो so, ये जो फुल मून है ये आपकी लाइफ में क्या चेंजेस लेके आ रहा है चलिए हम देखते हैं हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड इफ़ यू गाइज आर न्यू प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग ये फुल मून क्या चेंजेस लेके आ रहा है फॉर माई व्यूवर्स सो पहला कार्ड है लक इज ऑन योर साइड वी हैव टेक टाइम टू ब्रीथ आउट एंड वी हैव इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी सबसे पहले तो फुल मून जो है ये जो एनर्जी है ये आपसे डिमांड कर रही है कि आप अपने अंदर की सारी नेगेटिविटी को इस बार बिल्कुल बाहर कर दें बिल्कुल ख़त्म कर दें लेट को कर दें इस नेगेटिविटी को नेगेटिविटी कैन बी एनी थिंग नेगेटिव थाट्स नेगेटिव पैटर्न जो हमारी लाइफ में चल रहे हैं सो so ये टाइम है उन पैटर्न्स को ब्रेक करने का आई मीन डे टू डे लाइफ में अगर हम अपने आप को एनालाइज करें तो हम सोचते भी नहीं कितनी ने नेगेटिव लाइफ चल रही है हमारी हम कभी कभी कैसे रिएक्ट कर जाते हैं हम कभी कभी क्या बोल जाते हैं या हम हमें कोई कभी कुछ और बोल जाता है कुछ नेगेटिव बोल जाता है हमें कोई पर्सन और हम हर हर चीज़ को अपने अंदर लेके फिरते रहते हैं यहाँ सिवा राइट और कुछ ना कुछ नेगेटिव सिनारी आते हैं लाइफ में तो हम रिएक्ट कर जाते हैं सो so, हर जगह हमारे आसपास नेगेटिविटी है नेगेटिव लोग हैं हमारी जो लाइफ है वो नेगेटिव है सो so, अगर हम देखें तो हम बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को लाइफ में जो है हम पना दिए हुए बैठे हैं, सो so, इस बार इस फुल मून में हमें इस नेगेटिविटी को रिलीज़ करना पड़ेगा ताकि हमारी लाइफ में एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फ्रॉम दिस फुल मून एंटर हो सके सो so, ये नाउ इट्स लाइक यूनिवर्स इज़ Demanding मांडेंग यू प्लीज़ इस नेगेटिविटी को रिलीज कर दो अपने अंदर से बिकॉज तुम्हें कुछ भी नहीं मिला है इससे पास में और आगे भी कुछ नहीं मिलेगा इस नेगेटिविटी को रख के देन टेक टाइम टू ब्रीथ आउट टेंशन मत लो बहुत ज़्यादा कि कुछ बुरा हो जाएगा कुछ खर खराब हो जाएगा या कुछ ना कुछ नेगेटिव ही होने वाला है आगे सो so, रिलैक्स नेगेटिविटी को रिलीज करो और ब्रीद आउट जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट जस्ट टू मेडिटेशन बिकॉज मेडिटेशन इज रियली गुड ऑन फुल मून राइट सो जस्ट टू मेडिटेशन एंड वो मेडिटेशन डेली फुल मून रोज करो मेडिटेशन तो आप बट जस्ट टेक टाइम टू ब्रीद आउट आप ना रिलैक्स आप चिल नहीं कर पा रहे हो लाइफ में आप टेंशन में हो कभी कोई टेंशन कभी कोई टेंशन जो टेंशन आपकी नहीं है उस चीज़ की टेंशन ले रहे हो आप राइट तो जस्ट रिलीज कर दो अब इस बार ना अपने आप को चूज करो और अपने आप को पॉजिटिव पर्सन बनाओ और ब्रीद आउट जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको जस्ट ब्रीद आउट एंड इन्ेल ऑल द पॉजिटिव थिंग्स इन योर लाइफ एंड लक इज़ ऑन योर साइड बिकॉज लक आपकी तरफ है लेकिन शायद आप उस लक को ब्लॉक कर रहे हो अपनी तरफ आने में बिकॉज आपका जो थाट प्रोसेस है आपका जो पैटर्न है वो काफ़ी नेगेटिव है मे बी आप जो तो लाइफ जी रहे हो इस टाइम वो ये ऐसे जी रहे हो कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में डजेंट मैटर वट यू थिंक अबाउट योर सेल्फ राइट right? आपको आपको अपना फ्यूचर बेटर पता है तो आपको वो फ्यूचर बनाना है अपना तो आपका लक आपके साथ है सो so, लेकिन उस चीज़ के लिए यू हैव टू मैनिफेस्ट योर लक बाय रिलीजिंग दी नेगेटिविटी सो छोड़ दो नेगेटिव चीज़ों को नेगेटिव बातों को नेगेटिव गॉसिप्स को जो जो चीज़ भी आपको लाइफ में आपकी एनर्जी को कम करती है उस हर चीज़ को लेट गो कर दो इस बार इस फुल मून पे यहां से हम और देखते हैं what is this full moon bringing for you okay i'll pick the king of cups and we have three of cups we have four of wands we have the page of wands ये फुल मून आपके लिए बहुत सारे आइडियाज़ लेके आ रहा है सबसे पहले तो विध दिस पेज ऑफ वॉन्स एक नई शुरुआत जैसे कि आप करना चाह रहे हो अपने अंदर से आपके अंदर से आप रेडी हो वो नई शुरुआत करने के लिए बट कहीं ना कहीं आपकी फिजिकल बॉडी जो है अभी आपको उतना साथ नहीं दे रही है या वो आपको अपने अंदर वो एनर्जी फील नहीं हो रही है कि मैं शुरू करूं कुछ काम आपके माइंड में आइडियाज़ तो हैं कि हाँ मुझे ऐसे करना है मुझे कल तो सुबह जल्दी उठना है फिर मुझे ये करना है मुझे वो करना है लाइक यू हैव लाइक थाउजेंडस ऑफ थाट्स एंड आइडियाज इन योर माइंड इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज लैक ऑफ एनर्जी सो ये फुल मून जो है आपके लिए एनर्जी ले कर आ रहा है पैशन ले कर आ रहा है और नई शुरुआत लेके आ रहा है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ट्स तो जो भी आपके माइंड में आइडियाज़ है आप उसको एक्चुअली में इम्प्लीमेंट कर पाओगे अपनी लाइफ में ओके okay? बस शर्त यह है कि आपको अपने अंदर नेगेटिव नहीं सोचना है ना नेगेटिव बोलना है किसी के लिए ना नेगेटिव कोई चीज करनी है आपको अगर किसी ने आपके संग कुछ गलत करा है जस्ट लीव ऑन डिवाइन ओके लीव ऑन डिवाइन वो देख लेंगे आप अपना काम करो तो आई थिंक आप इस फुल मून पर आप एक नई शुरुआत ले रहे हो फॉर द थिंग्स यू लव फॉर थिंग्स यू आर पैशनेट अबाउट आपकी आप अगर आप अभी तक काफ़ी एंटी सोशल थे अपने लाइफ में आप किसी से मिल नहीं रहे थे बात नहीं कर रहे थे आप सोशलाइज़ करना स्टार्ट कर दोगे इस फुल मून के बाद से यू you नो know, आप आपने ऐसे बहुत टाइम से अगर किसी पर्सन से बात नहीं करी है कोई फ्रेंड ही होगी आपका तो आप उन्हें कॉल करने वाले हो या उनका कॉल आपके पास आने वाला है अगर बहुत टाइम से आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर ने साथ में जो है एक अच्छा टाइम नहीं स्पेंड करा है तो आप दोनों फिर से वो एक अच्छा टाइम वो इंटरमेट टाइम जो है साथ में स्पेंड करने वाले हो आपके रिलेशनशिप्स जो है वो काफ़ी अच्छे हो रहे हैं और शुरुआत कहाँ से हो रही है वो हो रही है आपसे हो रही है शुरुआत बिकॉज आप अपने अंदर ये बदलाव ला रहे हो बिकॉज आप अपने आप से सवाल पूछ रहे हो कि कब तक मैं सेम सेम लाइफ जीऊँ मेरी लाइफ में, में चेंज कब आएगा और वो तब आएगा जब आप वो चेंज लाओगे जब आप रेडी हो जाओगे जब आप वो नेगेटिविटी को छोड़ दोगे बहुत सारी इमोशनल मेचोरिटी आ रही है आपके अंदर किंग ऑफ कप्स तो आप फालतू बातों पे रिएक्ट करना गुस्सा करना वो सब छोड़ दोगे बिकॉज यू हैव रियलाइज योर वर्ड कि मैं किंग ऑफ कप्स हूँ राइट मेरे अंदर एक इमोशनल मेचोरिटी है सो आई नो मुझे कब कहाँ कितना रिएक्ट करना है तो एक प्लस आप एक पर्टिकुलर बाउंड्री भी सेट कर रहे हो अपने आसपास कि आप उस बाउंड्री को किसी को क्रॉस नहीं करने दोगे ये नहीं कि आप पागल बन रहे होगे आप कुछ भी कह के जा रहा है ऐसा नहीं है आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो बियॉन्ड दैट आप किसी को एंटरटेन नहीं करोगे ओके प्लस आई फील कि आपके रिलेशनशिप्स में हामनी आ रही है आप थोड़ा बाहर निकल रहे हो पार्टी कर रहे हो घुल मिल रहे हो लोगों के साथ सोशलाइज़ कर रहे हो आपकी लव लाइफ अच्छी हो रही है आपके रिश्ते जो हैं वो बेहतर हो रहे हैं एंड जो शुरुआत हो रही है ना वो आपकी तरफ से हो रही है सो so, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है फुल मून में यहां से और देख लेते हैं फुल मून ब्रिंगिंग। वी आर डूइंग समथिंग रिस्की टेकिंग अ चांस सो येस फाइनली ऐसे आप में वो गट्स आ रहे हैं कि वो काम करने का अभी तक जो आपने काम में जो आपने काम सोच रखा था कि मुझे ये काम करना है बट आपको कहीं कही ना कहीं वो एनर्जी नहीं आ रही थी अंदर से तो आप फाइनली वो एनर्जी आ रही है फाइनली आप वो रिस्क वो चांस ले रहे हो अपनी लाइफ में गुड फॉर्चून बिकॉज आपका गुड लक गुड फॉर्चून अब आपके साथ है अब आपको फील होगा एक्चुअली में कि आपका जो लक है ना वो आपके साथ चल रहा है पैरट सम वन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स सो आपको आपकी जो सीक्रेट बातें हैं इट मीन्स कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हो क्या आपका गोल है एम है उसको आपको थोड़ा सा यू हैव टू बी सीक्रेट अबाउट दैट आपको उसको रिवील नहीं करना चाहते कि आपका काम पूरा होना चाहे राइट सो हर किसी को आप रिवील मत करिए बिकॉज मे बी लोग फिर गौसअप करेंगे आपके बारे में और आपके प्लान्स को जो है वो एक्सपोज कर देंगे सम वन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ दिस कैन बी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप की कोई इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम्बडी या सोल मेड तो न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं या फिर इट कैन बी अ पर्सन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में वो कोई भी हो सकते हैं आपके मैंटोर में हो सकते हैं कोई गुरु हो सकते हैं एज अ फ्रेंड कोई आ सकता है आपकी लाइफ में सो एनी वन बट हुए एवर इज़ कमिंग इन योर लाइफ विल चेंज योर लाइफ फॉर द बेटर मतलब आपको काफ़ी इंस्परेशन मिलेगी उस पर्सन से जब वो आपकी लाइफ में आएंगे यहाँ से भी हम मैसेजेस लेंगे आपके फिल्म के लिए

एलिमेंट ऑफ फायर न्यू लाइफ रिन्यूड पैशन एंड पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन जस्ट लाइक दिस पेज ऑफ वॉन्स कि आपके अंदर ये एक नया नयापन आ रहा है एक नया जुनून आ रहा है एक नई एनर्जी आ रही है आप कुछ कुछ काम करने का अगर आप सोच रहे हो तो उसके लिए एक पैशन आ रहा है राइट एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है तो एक अलग बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको दैन वी है ट्री ऑफ लाइफ ट्रू विजडम एंड मेकिंग गुड चॉइज इन लाइफ तो अभी आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है आपके लिए सो काफ़ी विजडम है आपके अंदर और आपके लिए क्या चॉइजेस बढ़िया हैं आगे तक के लिए वो आप चूज कर रहे हो सो विथ लाइक एन इंटेलिजेंट पर्सन आपकी चॉइज जो है वो इम्प्रूव होंगी दैन वी हैव वाटर वर्क विद द एलिमेंट ऑफ वाटर फॉर हीलिंग प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनमेंट सो आपको जो है एलिमेंट वाटर के साथ जो है काफ़ी वर्क करना है लाइक ड्रिंकिंग लॉस ऑफ वाटर एंड जूसेज एंड uh, ताकि आपकी हीलिंग हो आपके बॉडी uh, में अगर कुछ इश्यूज भी चल रहे हैं तो वे हील होंगे विद द एलिमेंट ऑफ वाटर राइट एंड आपको जो है सॉल्ट वाटर बाथ आप ले सकते हो सो इट्स लाइक वाटर एलिमेंट जो है आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा लास्ट थोड़े से और मैसेजेस निकाल लेते हैं फॉर योर फुल मून सो वी हैव द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम काफ़ी फास्ट मूविंग एनर्जी रहेगी आपके लिए सो यू नो आप अपनी लाइफ में क्विक चेंजेस देखोगे फुल मून के बाद से देन वी हैव हैव फेथ इन योर ड्रीम्स जो भी आपने सपने देखे हैं ड्रीम्स हैं आपकी उस पर फेथ रखना बहुत जरूरी है अभी क्या आप गिव अप कर रहे होगी ऐसा नहीं हो पाएगा आपको सब कुछ इम्पॉसिबल लग रहा है लेकिन फेथ इज़ अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ कम्युनिकेशन इज की यस कम्युनिकेशन कॉल्स मैसेजेस ये काफ़ी uh, आ सकते हैं आपके पास लाइक like, आप सोशल बन रहे हो थोड़े से सो कम्युनिकेशन वाइज गुड न्यूज़ मिल सकती है आपको कम्युनिकेट करोगे आप लोगों से बातचीत करना स्टार्ट करोगे आप और थोड़ा सा बाहर निकलोगे घर से राइट इंपॉर्टेंट मैसेज भी आ सकता है कोई देन द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेज तो ये जो फुल मून है ये आपके लिए इसी बहुत ही टफ चैप्टर ऑफ योर लाइफ की एंडिंग लेके आ रहा है कि ये चैप्टर जो है फुल मून एंड कर देगा और आपकी लाइफ में नई शुरुआत होगी जब चीज़ें जो है आपके लिए अच्छी होंगी बेटर होंगी और रिलैक्सिंग होंगी सो फाइनली यू कैन रिलैक्स एंड फाइनली जो ये जो नेगेटिव इमोशंस थे आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे ओके सो गाइज ये है आपकी रीडिंग फॉर द फुल मून आई होप यू लाइक इट प्लीज़ टू लाइक शेयर सब्सक्राइब बाय टेक केयर